सब टूट गया ये, लुक एट दिस सिस्टम, डंडा टूटा, ये हड्डी टूट गई, अब सब कुछ। मतलब गर्मी जा रही है, गर्मी जा रही है मतलब ठंड आने वाली है, ठंड आने वाली है मतलब बाहर निकलना ज़रा कम हो जाएगा। तो बाहर निकलने का जब तक मौका है तो हम लोग निकल रहे हैं। तो कुछ जगहें हैं जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, कुछ खुद देख सकते हैं ठंड आने से पहले तक। तो चलते हैं, वैसे ही एक जगह जो बहुत ख़ास है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है वो, तो आप लोगों को लेकर चलते हैं। घर से काफ़ी नज़दीक है, मतलब घर से 2 या 2.5 किलोमीटर, ये तो 5 मिनट पहुँच जाएंगे आप लोगों को, 30 सेकंड में दिखा देंगे रास्ता पहुँचने का। चलते हैं, ठीक है। ये जो पीछे मैसिव सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये असल में एक रुइंस ऑफ चर्च है, कैथेड्रल, जिसका नाम सेंट बोनिफेस कैथेड्रल है। इसका स्थापना 1818 में हुआ था और ये एक्चुअली अब रुइंस हो गया है, ये जल गया था, भस्म हो गया था। आइए आज इसकी कहानी और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या था असल में। ये विनिपेग के सेंटर ऑफ द सिटी में है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है विनिपेग का, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत तगड़ी है। ये एक्चुअली में जैसे मैंने बताया कि 1818 में बनाया गया था। ये वाली जो बिल्डिंग है ये 1908 में बनी थी। इससे पहले यहाँ सेम जगह पे 3 और जगह बिल्डिंग थी जो किसी वजूहत से टूटती गई या कुछ हो गया, उस वजह से ये फाइनली 1908 में बननी तैयार हुई थी। बट ये भी जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये भी एक रुइन है। 1968 में जब 150th एनिवर्सरीज की मनाई जा रही थी, उसके जस्ट कुछ वक्त बाद जुलाई के महीने में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था यहाँ, और जो लोग कहते हैं कि जो लोग काम कर रहे थे वो सिगरेट विगरेट पी रहे थे, उसी वजह से यहाँ आग लग गई। और इतनी भीषण आग लगी, इतनी ज़बरदस्त आग लगी कि पूरा तहस नहस हो गया ये बिल्डिंग। अब मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि हुआ असल में क्या। और फिर जैसे मैंने बताया कि 1968 में ये जल गया था, और उस वक्त जो इसको वापस से बनाने की जो कीमत आ रही थी वो ऑलमोस्ट $6 मिलियन आ रहा था, बट जो बजट सैंक्शन हो रहा था वो $500,000 का था। तो फिर डिसाइड हुआ कि इसी जगह पे अंदर में एक और स्ट्रक्चर बनाया जाए जो जिसका बजट ऑलमोस्ट $600,000 का हुआ था, और वो बनाई गई 1972 में। हाँ, 1972 में वो बन के तैयार हो गया था। सेंट बोनिफेस कैथेड्रल विनिपेग का एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है, और विनिपेग शहर के बीचों बीच रेड रिवर पे बैंक पे ही ये खड़ा है। ये वाली जो इमारत है इसकी तामीर 1908 में ही हुई थी, मगर 22 जुलाई 1968 वाले आग में सिवाय इसके चार दीवारी के सब कुछ जल गया था, फर्नीचर, बुक्स, डॉक्यूमेंट, सब जो है ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उस वक्त इसको दोबारा से तामीर करने का, रिनोवेशन करने का करीब $6 मिलियन मतलब 60 लाख का खर्चा एस्टिमेट किया गया था, और बजट जो था वो सिर्फ अराउंड $500,000 था, मतलब 5 लाख के करीब था। तो उस वक्त फ्रैंको मैनिटोबन एक आर्किटेक्ट इटिनी गैबोरी को $630,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो इसके इस चार दीवारी के अंदर ही एक छोटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा गया। पुराना वाला जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक वक्त में करीब 2000 लोग एकोमोडेट किए जा सकते थे, मगर नए वाला जो स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया उसमें कहा गया कि आप 1000 लोगों को एकोमोडेट करने लायक एक स्ट्रक्चर बना दें। न्यू वाली बिल्डिंग जुलाई 1972 में बन के तैयार हो गई थी। ये ख़ुद में बहुत ख़ास है, अंदर में इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है,
फिलवक्त ये बंद है तो अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर जा नहीं सका, तो आप लोगों को भी नहीं दिखा पाऊँगा। कभी और जब खुला रहेगा तो मैं जाऊँगा अंदर और उसके वीडियोस बना के आपको दिखाऊँगा। यहाँ सैकड़ों कब्र भी है। ये सेमेट्री ख़ुद में काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि यहाँ मीटिस कम्युनिटी, जो कनाडा की वन ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी है, उसके हुज एंड हुज दफन है। 100-150 साल पुराने कब्र भी हैं यहाँ। लुई रील ख़ुद भी यहाँ दफन है, जिन्हें फाउंडर ऑफ मैनिटोबा कहा जाता है, और वो मीटिस कम्युनिटी के ही पॉलिटिकल लीडर भी थे। उन्होंने अपने 41 साल के लाइफ में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ख़िलाफ़ 2 जंगें लड़ी थी, और उन जंगों के बाद उन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी, और उसके बाद वो यहीं दफन है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ दफन, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये सीन था इस वीडियो का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो पता है आपको क्या करना होता है, आपको वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, और कमेंट करके बताना होता है कि कैसा लगा। एनीवेज, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो अभी ड्रोन क्रैश किया, बैटरी यहाँ गिरी और पूरा अंजड़ पंजड़ इसका ढीला, यहाँ पेड़ से टकरा के गिर गया। गॉन, सब टूट गया। है इसका कुछ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या होता है? अब बेहद अफसोस के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि ड्रोन अब नहीं रहा। आज से हमारा ड्रोन दिस पेड़ इज द कल्प्रिट। Thank you.